स्वन सिर्फ पॉज हटा अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लास्टिक्स वी गो अहेड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria is also called as powerhouse of cell. Why? Because it is responsible for synthesis of कभी भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन आएगा ना बेटा याद रखना एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में किधर होता है बेटा एटीपी आपको नाम क्या है कौन पहले एटीपी वापरा लगे जब माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन होंगे बेटा It has an outer membrane and it has an inner membrane. इसका अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा फोल्डेड होता है कुछ ऐसा समझ पा रहे और ये जो फोल्डेड रीजन के अंदर का सब्सटेंस है ये जेली जैसा होता है सो दिस हैज आउटर मेम्ब्रेन एंड इट हैज इनर मेम्ब्रेन ठीक है इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं और इन फोल्ड्स को हम कहेंगे क्रिस्टे क्या बोलेंगे वी कॉल इट एज क्रिस्टे ये मेम्ब्रेन अंदर के जेली जैसे सब्सटेंस को लेयर करता है क्रिस्टे के अंदर यहां पे पूरा जेली जैसा सब्सटेंस होता है उस जेली जैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं मैट्रिक्स क्या हो गया उसके जेली जैसा सब्सटेंस जैसे नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा वैसे ही ये उसके साइटोप्लाज्म जैसा होता है जेली जैसा होगा वो इसके अलावा इस जेली जैसे सब्सटेंस में इट विल हैव सम केमिकल्स लाइक दिस बताओ ये क्या हो सकता है वेरी गुड दीज आर नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है ठीक है एग्जैक्टली सेम एज दैट वी स्पोक फॉर प्रोकैरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में कब से 70S होने लगा भाई प्रोकैरियोट्स में 70S देखा और क्लोरोप्लास्ट में भी देखा ना 70S था तब हमने एक स्टोरी बताया था कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आइडियली एक बैक्टीरिया हुआ करता था है कि नहीं और तब जाके पता चला कि अगर इस बैक्टीरिया को हम खा जाते हैं मतलब सेल्स को ऐसा लगा इस बैक्टीरिया को हम खा जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा वो खुद बना सकता है वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा नोटिस किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी प्रेजेंट है और उन्होंने बोला कि अगर हम ये डीएनए का इस्तेमाल करें अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है राइबोसोम्स भी है तो बाय डिफॉल्ट ये भी खुद का प्रोटीन खुद बना पाएगा तो जब चाहे वो खुद अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर पाएगा यस और नो मीनिंग दे सेड दैट इवन माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस हम पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ चुके सेमी ऑटोनॉमस यानी क्या था जो खुद अपना आपको कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन सेल जब सेल रेप्लिकेट होगा तब मैं रेप्लिकेट करूंगा अपने आपको वैसा सिस्टम इसके पास नहीं था आर वी क्लियर यस और नो चले आगे इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे डबल मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी था लेकिन उसका अंदर का मेम्ब्रेन ऐसा फोल्डेड नहीं था इसका अंदर का मेम्ब्रेन ऐसा फोल्डेड क्यों है सर क्योंकि इसके अंदर के मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स है बेटा
ऐसा पूरा लेयर में रहेगा ये। इस लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज F1 पार्टिकल, क्या बनता है? We call it as F1 particle. और ये जो F1 particle होता है, इसका एक और नाम है, which is oxysomes. We also call it as, ठीक है? अब इस F1 particle का काम क्या होगा? What is the role of oxysome? तो इस oxysome को अगर zoom करके देखें ना, तो वो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है? जिसमें ये हो जाता है inner membrane. This becomes inner membrane, which is also referred as base, या फिर F0. We can call it as base या फिर F0. जे ATP वापर कराई ची आपला ला, और सीधा बैठ, हाँ, गोवा नहीं आया। This is called as stalk. We call this as stalk. Whereas this is called as head. ठीक है? इन दोनों को मिला के यू कॉल इट एज F1 पार्टिकल। सो इकट्ठा इस पूरे स्ट्रक्चर को F0 F1 पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है? मेम्ब्रेन के साथ अगर कंसिडर कर रहे हैं हम, तो F0 F1 पार्टिकल, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला रीजन कंसिडर कर रहे तो यू कॉल इट एज F1 पार्टिकल, जिसमें भी ऊपर का ये जो हेड पार्ट है बेटा, इस हेड पार्ट में देयर आर सर्टेन एंजाइम्स, देयर आर enzymes, and these enzymes are responsible for synthesis of ATP. yani ki agar mujhe ATP banana hai to ye head region zyada hone chahiye, hai ki nahi? aur head region zyada tab honge jab ye pura oxysome zyada hoga. oxysome tab zyada hoga jab uska surface area badhaya jayega. samajh pa rahe? agar andar ka membrane khali aisa hota round, so the number of oxysomes would be less. बट क्योंकि वो पूरा ऐसा फोल्डेड है, तो इससे बड़ा हो गया ना, जिस वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया बेटा, समझ पा रहे? सो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इट हैज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया. आर वी क्लियर? कहते हैं नक्की जाओ या पूरे, ठीक है? That becomes mitochondria. इस mitochondria का dimensions क्या हो जाएंगे? So जब dimensions का बात करते हैं, इसका thickness जो है बेटा, that is somewhere around 0.5 to 1 micrometer. Thickness will be 0.5 to 1 micrometer. जबकि उसका length का जब बात करेंगे हम, length is 1 to 4.1 micrometer. ठीक है? It is 1 to 4.1 micrometer. आसान? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का क्या डाइमेंशंस था? डज एनीवन रिमेंबर? 5 to 10 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड विथ वॉस 2 to 4. तो क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा हो गया इसके कंपैरिजन में, यानी प्लांट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी लेस देन माइटोकॉन्ड्रिया. हाउ डिड आई डिसाइड दैट? उसका साइज बड़ा है तो क्वांटिटी कम रहेगा, इसका साइज छोड़ है तो क्वांटिटी, समझ पा रहे बेटा? अब अगर इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होना रहेगा, मल्टीप्लाई करना है अपने आप को, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? इट मल्टीप्लाईज विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड कॉल्ड एज फिजन. फिजन मतलब क्या है? बाइनरी फिजन वी आर टॉकिंग अबाउट. यानी जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लीकेट करेगा, इट विल रेप्लीकेट बाय बाइनरी फिजन. आर वी क्लियर? Yes or no? Yes. Everyone? Yes. Mitochondria clear hai beta? Aage chale. We have something called as eukaryotic ribosomes. Eukaryotes ke paas bhi to ribosomes honge. So eukaryote ke ribosomes ko jab hum detail mein study karenge, tab hume pata chala that eukaryotic ribosomes are of ATS type. और इस ATS के भी दो सब यूनिट होंगे, एक लार्ज सब यूनिट और एक, इसका लार्ज सब यूनिट इज 60S एंड स्मॉल विल बी 40S.
स्मॉल सब अपना जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स था वो 70S था, जो टूट के बना क्या 50 और 30 है ना। अगर हमने उस 70 का 80 किया यानी 10 बढ़ाया तो बाकी के भी 10-10 बढ़ जाएंगे, समझ पा रहे। 70 का 80 हुआ तो 50 का 60 हो गया और 30 का 40, समझ पा रहे क्या नहीं समझे। चले आगे बेटा। इसके अलावा यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का डिस्कवरी सबसे पहले किया गया था बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एज जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1883। ठीक है, 1883 में सबसे पहली बार इसने डिस्कवर किया था कि राइबोसोम्स जैसा भी कुछ होता है, और उसने ये बताया कि राइबोसोम्स होते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ टू केमिकल्स, एक तो वो प्रोटीन से बनता है बेटा और दूसरा आरआरएनए में से। नो व्हाट इज आरआरएनए, व्हाट डज आर स्टैंड फॉर, सो उसके नाम में ही राइबोसोम है, जिस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते दैट आर जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए से बनता है प्लस उसके पास होगा प्रोटीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता बेटा। अब तक हमने जो भी पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स सबके पास मेम्ब्रेन था। ये पहला ऐसा हमने यूकैरियोटिक सेल देखा जिसमें मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल दिखाई दे रहा है अपने को, समझे कि नहीं समझे। तो अगर अपने को क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स या नेम वन ऑर्गेनेल विच इज मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आर वी क्लियर, यस और नो, पक्का। एज इन उसका स्ट्रक्चर गट्ठे में बराबर रहता है, पैक्ड रहता है, जस्ट उसके आसपास कोई मटेरियल नहीं होता जो उसको लेयर करता है, यानी ये जो आर आर एन ए होता है और जो प्रोटीन होता है वो एक दूसरे के अंदर इतना एंटैंगल्ड होते हैं कि वो प्रॉपर ऐसा राउंड स्ट्रक्चर बना सकता है, बट देन उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ठीक है, पढ़ लिए पक्का। जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसमें सिस फेस होता है, व्हाट इज दैट सिस फेस रिप्रेजेंट, या सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड एज राशि के बाजू में, सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड एज जो भी आंसर दे रहा है खुद के पास ही रखे अपना स्मार्टनेस। आउट 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 क्विकली फटाफट, व्हाट इज सिस फेस कॉल्ड एज लास्ट, आई फॉरगॉट योर नेम बेटा, अपूर्वा सिस फेस का दूसरा नाम क्या है, गोल्गी अपैरेटस के पास सिस फेस होता है, उस सिस फेस को एक और नाम से हम सेट बाहर जाओ और बाकी दोनों भी क्विकली रिवाइज करो अच्छे से। चले आगे। सो दीज आर मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके अलावा जब राइबोसोम्स का बात करेंगे हम, ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन इज क्या इनमें भी पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स दिखेगा सर, या सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास होता है ये, इसमें भी दिखाई देगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हैव और फॉर्म पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा समझे। क्या होता है पॉलीजोम्स,
फिर से सोच, ऑलमोस्ट बराबर बोल रहे, घाई घाई में गलत बोल रही है तू। परफेक्ट। व्हेन यू हैव मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सिंगल एमआरएनए यू कॉल दैट स्ट्रक्चर एज पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। आसान हो गया बेटा, कोई डाउट्स यहां तक? क्लियर है सब? ठीक है, इसमें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है राइबोसोम्स का? सो रिमेंबर दैट राइबोसोम्स आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप, दे आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, कोई डाउट्स है? राइबोसोम्स क्लियर? बस इतना ही है बेटा राइबोसोम्स के लिए हमारे पास, और कुछ नहीं पढ़ना अपने को राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, इतना लिखे पहले क्विकली। चलो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इतना इंफॉर्मेशन है, तेरे को और कुछ चाहिए? लिखा ना, इट सिंथेसाइज एटीपी, वो पूरा चैप्टर है उसके लिए, और जो खा रहा है उसको बाहर फेंक किया जाओ फटाफट। हाँ रुक एक मिनट, लेट्स गो अहेड, वी गो फॉर द नेक्स्ट कंटेंट विच इज वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज साइटो स्केलेटन। ठीक है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज साइटो स्केलेटन? पीयूष क्या होता है, अगर मैंने तेरे बॉडी में से पूरा स्केलेटन निकाल दिया तो तू इतना ब्यूटीफुल दिखेगा? नहीं ना, अगर मैंने इसी के बॉडी में से पूरा बोन्स निकाल दिया तो वो स्मैश हो जाएगा ना, खाली हड मांस ही मांस बचेगा, पिचक जाएगा। लाइकवाइज जो हमारे सेल्स भी होते हैं बेटा, उन सेल्स के अंदर एज सच कोई ढांचे जैसा कुछ नहीं होता, अंदर खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो फ्रेमवर्क देता है, बट देन प्रॉपर शेप सेल को देने वाला कोई नहीं रहेगा। सो वो शेप देने वाले को हम कहेंगे साइटो स्केलेटन। समझ पा रहे? साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? अगर ये हमारा सेल हुआ ना, तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं बेटा, जो रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ ऐसा एकदम रैंडमली रहेंगे अंदर। और ये प्रोटीन फाइबर्स जो रहेंगे वो बेसिकली हमारे सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सेल को शेप दो चीजें दे सकती है, अगर प्लांट सेल्स है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल वॉल दोनों उसको शेप देगा, अगर एनिमल रहेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस शेप को मेंटेन करने का काम किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? प्रोटीन फाइबर्स विच आर नथिंग बट टुगेदर कॉल्ड एज तीन प्रोटीन फिलामेंट्स है बेटा। देयर आर थ्री प्रोटीन फाइबर्स दैट आर एग्जिस्टिंग। राशि नहीं दिख रहा बेटा वहां से? पक्का तीन प्रोटीन फाइबर्स होते हैं बेटा। कौन से तीन प्रोटीन फाइबर्स है? द वेरी फर्स्ट प्रोटीन फाइबर दैट वी हैव इज कॉल्ड इज कॉल्ड एज माइक्रो फिलामेंट। दूसरा प्रोटीन फाइबर जो है दैट इज माइक्रो ट्यूब्यूल, एंड द लास्ट प्रोटीन फाइबर दैट वी हैव इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये तीन फाइबर्स, तीन प्रोटीन फाइबर्स इकट्ठा मिलके हमको या हमारे सेल्स के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा बेटा। अब आईडी हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो ही लाइन दी है, इतने ही लाइन में सारा सब कुछ खत्म कर दिया, आगे डिटेल्स नहीं दिए है। तो नीट के लिए तुमको इतना ही आएगा कि साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है, तो हम लिखेंगे साइटोस्केलेटन जो होते हैं उसके फंक्शंस के लिए हम लिखेंगे कि वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग शेप, इट मेंटेन शेप ऑफ सेल, इट विल ऑल्सो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करता है वो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देगा वो। ऑल्सो इट कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। वी नो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा? डू वी नो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? काफी बार हमारा स्किन देखो फट जाता है, तो फटे हुए स्किन को हम ऐसा खींच खींच के निकलते हैं,
ठंडी के सीजन में जब खींच के निकालते हैं तब क्या वो प्लास्टिक की तरह सब पटाक करके टूट जाता है या ऐसे एक्सटेंड होते जाता है? दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब तुम किसी भी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और उस फोर्स की वजह से वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को यू विल कॉल इट एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारे सेल्स के पास तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इससे जब छोटे बच्चे को तुम ये करते हो ना तो उसका जबड़ा निकल के तुम्हारे हाथ में नहीं आता, बट वो खाली थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। समझे? चले आगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ये कैसे दे रहे हैं और ये किन किन प्रोटीन से बनता है वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बिकॉज ये डिटेल्स दूसरे चैप्टर में अपने को हेल्प करेगा, ठीक है? बट अपने को इतना डिटेल्स याद नहीं रखना है। यू नो व्हाट द डिटेल्स आर, बट डोंट मेमोराइज देम। समझ पा रहे? जो माइक्रोफिलामेंट होता है दिस इज कंपोस्ट ऑफ, माइक्रोफिलामेंट इज कंपोस्ट ऑफ एक्टिन, इट इज कंपोस्ट ऑफ एक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है बेटा, उस प्रोटीन से यह बनता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, एक्टिन 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 जुड़ जुड़ के कुछ ऐसा लंबा सा फिलामेंट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसका डायामीटर इज अराउंड 5 to 7 माइक्रोमीटर्स। इसका डायामीटर विल बी समवेयर अराउंड 5 to 7। Siddhayani, wait. I know what I've given last year. I know what I'm giving this year. ठीक है? Yeah, nanometers. 5 to 7 nanometers, not micrometer. इसका functional role क्या हो जाता है cells के अंदर? तो ये animal के cell division में help करेगा। पहली बात, it will help animal cell division. इसके अलावा it will also help in contraction of a cell and relaxation of cell. cells को contract और relax दोनों में ही वो help करता है, यानी जब pseudopodia हो रहा है कुछ ऐसा है let's say और food इधर है तो cell जो है वो इधर से elongate होगा फिर वापस पीछे आएगा contraction में, तो सेल का ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में कौन हेल्प करता है? समझ पा रहे? चल आगे बेटा। इसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे ये बनता है। अभी कैसे बनता है सर? तो दो टाइप के ट्यूबुलिन होते हैं, अल्फा और बीटा। तो एक अल्फा ट्यूबुलिन लगेगा, फिर उसके बाद बीटा आता है, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। सर्कुलर पैटर्न हो गया। अब वो नीचे नीचे ऐड होते जाएगा अल्टरनेटिवली। समझ पा रहे? Can we understand? That means ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये ट्यूब जैसा हुआ, बहुत ही पतला होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा पतला। इसका जो डायामीटर रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 25 नैनोमीटर्स। 25 नैनोमीटर्स मतलब बहुत पतला हो गया बेटा, इससे मोटा पर ट्यूब के हिसाब से बहुत पतला, इसलिए टर्म आया माइक्रोट्यूब्यूल। इसका रोल क्या हो जाता है सेल के अंदर? तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। वी नो स्पिंडल फाइबर्स, हम 10th में सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो वो स्पिंडल फाइबर की मदद से सेपरेट होते हैं बेटा, ठीक है? इसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे, ठीक है? लास्टली यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या काम करेगा बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट पहली बात, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लाइक कैरेटीन, यानी कैरेटीन जैसे अलग अलग प्रोटीन से बन सकता है, विच हैज
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसा प्रोटीन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकता है उसे हम कहते हैं केराटिन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बाल हो गए, आ हेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ केराटिन। हमारा ये जो स्किन है, तुमको सर ने करवाया रहेगा ना टिश्यू में, केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सो दिस इज अगेन केराटिन। इस वजह से जब हम स्किन को खींचते हैं ना बेटा, तो वो एक्सटेंड होते जाता है बिकॉज उसके पास होगा केराटिन, भर भर के केराटिन होता है इस वजह से। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? साइटोस्केलेटन क्लियर वंस मोर और अंडरस्टूड सबको? यस बेटा, एनिमल सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करेगा? एनिमल सेल्स का जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो सेंटर में एक माइक्रोफिलामेंट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रक्चर ऐसा होते जाएगा और धीरे धीरे करके पूरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल ब्रेक। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है यहां तक? पूर्ण झाले? लिहू या चला? हाँ हाँ, that we are understanding is called as centrosome. अब सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम बेसिकली एक डेंस साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस ही है, यानी कि अगर ये हमारा सेल हुआ बेटा जिसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है कि नहीं, जेली जैसा सब्सटेंस, उसमें एक गट्टे सारखं असतं इकडे, एक छोटा सा गट्टा सारखं असतं आणि त्या गट्ट्यामध्ये दोन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स असतात, काहीतरी लास्ट पेज मध्ये दिसतंय की झूम करून ये बोर्ड पूरा है, ठीक है, और ये एक डार्क स्ट्रक्चर मतलब एकदम थिक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर का, जिसमें कुछ सिलेंडर स्ट्रक्चर ऐसे अरेंज्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये जो अपने को दिख रहा है ना डार्क स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है, दिस अगेन मेम्ब्रेनलेस। तो अब तक दो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर देख लिया, कौन सा? राइबोसोम्स और दूसरा सेंट्रोसोम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऐसे जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सेंट्रोसोम, उसके अंदर दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स रहेंगे। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे जिससे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैन वी सी? दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो सेंट्रोसोम के अंदर तो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होंगे, शेप के होंगे और एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम है यानी जो सेंट्रियोल है, इट इज सराउंडेड बाय अमॉर्फस। समझता बेटा? नहीं, अमॉर्फस है पाउडरी। हम सुबह सुबह पाउडर लगाते हैं ना मुंह पे बॉडी पे, सब मऊ मऊ असतात, अमॉर्फस म्हणतात। तसंच जर आपण साखर पत्री किंवा नमक को क्या कहते हैं, नमक देखा हमने, उसका टेक्स्चर देखो क्रिस्टलाइन होता, हाँ क्रिस्टलाइन होता है, वो खरखरीत असतं, त्याला आपण म्हणतात क्रिस्टलाइन। आणि मऊ मऊ असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, अमॉर्फस। कसे? तर आपल्याला एनसीईआरटी काय सांगते, सेंट्रियोल्स के आसपास मऊ मऊ स्ट्रक्चर्स आपल्याला दिसतात, काय आहेत ते मऊ मऊ पार्टिकल्स ते आपल्याला नाही सांगितलं तर आपण शिकणार सुद्धा नाही ते, ठीक आहे, चले आगे। अब हमने क्या किया, हमें जानना था कि ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में क्या है वो हमको देखना था। तो हमने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को काटा
ऐसे है ना, इसको कट किया और अब हम उसको ऐसे करके देख रहे हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे वो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, तब हमको पता चला कि सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं हब, जो प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। उसमें से 9 रेडियल स्पोर्स बाहर निकलते हैं, रेडियस के जैसा दंडी बाहर निकलता है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्पोक्स। कौन से स्पोक? रेडियल स्पोक्स, ठीक है। अब ये भी प्रोटीन से बने होंगे। इन रेडियल स्पोक्स के ऊपर तीन तीन, दैट इज ट्रिपलेट्स होते हैं। ये ट्रिपलेट्स क्या है? दीज ट्रिपलेट्स आर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है बेटा? तीन तीन के माइक्रो, तीन तीन के झुंड में 9 माइक्रोट्यूबल्स है। कितने? देयर आर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबल। कैन वी सी दैट? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विच आर लेबल्ड एज ए बी सी। सो यू लेबल इट एज ए बी सी। ठीक है। अब ये 9 स्पोक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होंगे कुछ ऐसे। इसके साथ साथ जो माइक्रोट्यूबल्स हमें देख रहे हैं वो माइक्रोट्यूबल्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। वेयर ए वाला माइक्रोट्यूबल गेट्स कनेक्टेड टू बाजू वाले का सी। ये ए बाजू वाले के सी से कनेक्टेड होगा, ये ए बाजू वाले के सी से कनेक्टेड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे जाएगा वो। कैन वी सी दैट? पूरा रंगोली बन गया। हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि ये जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है अपने को? एनसीईआरटी बोलता है कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है ना वो कार्टव्हील जैसा है। कार्टव्हील समझते हैं? व्हाट इज कार्टव्हील? बुलक कार्ट का जो व्हील होता है उसके जैसा दिखता है, ठीक है। तो हमने बोला हाँ बराबर है, कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। इसके अलावा इसके आसपास कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों सर? कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना इसको, तो ये ऐसे 9 मार्कर्स एक साथ ऐसे अटैच है, ऐसा समझो। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। फिर जब इसको कट करके अंदर से देखा ना तब कुछ ऐसा दिखाई दिया आपने। चलो आगे। इसके अलावा इसके पास एक और स्ट्रक्चर रहता है जो हवा में रहता है ऐसा। दिख रहा है? ये जो हवा में स्ट्रक्चर है ना, इससे हम कहते सैटेलाइट। इसे हम कहेंगे सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का क्या काम होता है? देखो, पूरा सेंट्रियोल जो है, पहली बात तो इसका रोल क्या क्या हो जाएगा। सो इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है ना वो ऐसे लंबे लंबे होते जाएंगे बेटा, और सारे माइक्रोट्यूबुल्स स्प्रेड होंगे टू फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर्स। समझ पा रहे? यस और नो? ये माइक्रोट्यूबुल ऐसे एक्सटेंड होते जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनते जाएंगे और जाके सीधा किससे अटैच होंगे? स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम है? क्रोमोसोम को सेपरेट करना। तो यहां से जब स्पिंडल फाइबर्स बाहर निकल रहे तो किसको अटैच होंगे? क्रोमोसोम्स को अटैच हो जाएंगे और बाद में हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, इट फॉर्म्स बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के बेस पे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ये सेंट्रियोल होता है। समझ पा रहे? आर वी क्लियर? यस और नो? ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हुआ ना, दिस इज सीन ओनली इन एनिमल सेल्स, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ
एनिमल सेल्स में दिखता है, प्लांट सेल्स में नहीं दिखता अपने को, याद रहेगा बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा समझा? वंस अगेन और अंडरस्टूड? लिख लेंगे खुद से, चलो फटाफट क्विकली। हाँ, अरे सैटेलाइट का क्या फंक्शन है? तो सैटेलाइट जो होता है वो स्पिंडल फाइबर्स जब बनेगा ना, एक्सटेंड होते जाएगा, ये माइक्रोट्यूबुल लंबा लंबा होते जाएगा, जब वो लंबा लंबा होता है तो सैटेलाइट ये ध्यान रखता है कि वो एक्सटेंशन बराबर से हो, बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली हो, कौन ध्यान देगा? सैटेलाइट। ठीक है, क्या हुआ सोम? Thank you.